हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपको बैगन खाना पसंद नहीं है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनती है और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही मजेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बैगन को हम मोटे टुकड़ों में काट के और पानी में डाल देंगे ताकि वो काला ना पड़ जाए। इसके साथ ही देखिए, आधा कटोरी मैंने मटर ले लिया है, साथ ही लहसुन के कुछ कली है और मिर्ची ज़्यादा दे दीजिएगा। हाँ, बच्चों के लिए यदि बना रहे हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। साथ ही टमाटर ज़्यादा चाहिए। मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि यदि आप 500 ग्राम ले रहे हैं बैंगन तो 300 ग्राम आप टमाटर ले लीजिएगा और 250 ग्राम से थोड़ा सा कम या 250 ग्राम के अकॉर्डिंग आप मटर ले लीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे, इसके बाद उसमें हम मेथी का फोरन डालेंगे। इसमें जीरा वगैरह नहीं डालना है, मेथी डालना है। एक चम्मच मेथी डाल देंगे, इसके बाद तेज पत्ता डाल देंगे और अच्छे से मेथी को हम चटकने देंगे। यदि मेथी अच्छे से पका नहीं रहेगा तो सब्जी पूरा कड़वा हो जाएगा, इसलिए आप मेथी को अच्छे से पका लीजिएगा। इसके बाद एक प्याज को एकदम फाइन चॉप करके आप डाल दीजिएगा। ये मीडियम साइज का एक प्याज था। प्याज को आप 1 से 2 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करनी है, थोड़ा सा सौते करना है बस। प्याज जब इस तरह से सौते हो जाए तो इसके बाद इसमें मटर डाल देंगे हम। मटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए। जब मटर कुछ इस तरह से हो जाएगा इसके बाद इसमें हम बैंगन डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनती है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि कैसी बनी है। बैगन डाल देने के बाद जो टमाटर हमने काट के रखा है वो हम डाल देंगे। हाँ, टमाटर में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इसमें टमाटर का पूरा फ्लेवर आता है, इसीलिए आप जितना बैगन डाल रहे हो उतना टमाटर सेम डाल सकते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। साथ ही मिर्च इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिएगा। बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो कम मिर्च कर सकते हैं, वरना मिर्च इसमें इस तरह से काट के डाल दीजिएगा। अब इसे हम ऐसे मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना मिर्च डालने के बाद ये तीखा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लहसुन देखिए, हमने जो रखा था तो लहसुन को हमने तेल में नहीं डाला है, इसमें लहसुन डालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कढ़ाई में सारी सब्जियां हम डाल देंगे, इसके बाद 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। पहले लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालना है ताकि लहसुन का पूरा फ्लेवर आता रहे इसके लिए। और लहसुन का पेस्ट नहीं डालिएगा, इसे हल्का सा आप कूच के डालिएगा, काटिएगा भी मत, कूच के डालिएगा। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे हम इस तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। ये रेसिपी एकदम लो फ्लेम पे ही बनाइएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी फुल मत कीजिएगा। और स्टीम से देखिए, जब इस तरह से पानी रिलीज हो जाए सब्जी में से, फिर इसे अच्छे से हम मिला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इस तरह से मैश करते जाएंगे और फिर ढक्कन ढक देंगे। हर 5 मिनट पे यही प्रोसेस करना है, ढक्कन हटा के फिर सब्जी को मिलाना है और जो भी बैंगन टमाटर है उसे मैश करते जाना है और फिर ढक्कन लगा देना है ताकि सब्जी भी हमारा भुनता रहे और उसी के साथ साथ जो मसाला हमने डाला है उसे अलग से नहीं भुनना है, इसी के साथ भुन जाता है। बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा मसाला भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नॉर्मली घर में हम मसाला रखते हैं वही। और जब इस स्टेज पर हो जाए तो आप धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर लीजिए। देखिए कितनी झटपट से बन गई ना ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है और गर्म गर्म सर्व कर लीजिए।
और ये देखिए फ्रेंड, मेरी तो रेसिपी बनके तैयार है। आप भी आप बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि कैसी बनी है। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी मिलती रहे। और झटपट बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये देखिए फ्रेंड, बनके तैयार है। गरम गरम सब्जी, रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब के साथ खाने में मज़ेदार ही लगती है। गरम गरम सर्व कीजिए। और ये देखिए फ्रेंड, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार है कि मुझसे तो रहा भी नहीं गया। और आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए। अब मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।